शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ दिघोरी चौक से पेट्रोल पंप पर धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 80.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई, जो 27 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल का मूल्य भी 21 पैसे बढ़कर 80.40 रुपए प्रति लीटर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस महीने की 7 तारीख से तेल विपणन कंपनियों ने दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम बढ़ाने का क्रम शुरू किया। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 9.12-0.80% महंगा हुआ है। आए दिन केंद्र सरकार की ओर से जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है, इससे शहर के नागरिकों में भारी असंतोष दिखाई देता है। बढ़ते पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम को लेकर शहर के नागरिकों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन भी किया है। अब तक के शहर के कई पार्टियों ने आंदोलन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नागपुर के दिघोरी चौक के पेट्रोल पंप पर आंदोलन कर मोदी सरकार के खिलाफ नारे देते हुए केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया और बढ़ते पेट्रोल के दामों को पेट्रोल के दाम कम करने के लिए उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितने प्रतिशत इनकी मांगों को मानती है या फिर ढाक के तीन पाँच जैसा ही कामकाज होता है। इस बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन बीसीएन के समक्ष बढ़ते पेट्रोल और डीजल महंगाई को लेकर बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। राज्य के साथ साथ शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के जिस प्रकार से दाम बढ़ चुके हैं, उससे शहर की जनता काफी परेशान है। ऐसे में कुछ पार्टी की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। आज शहर भर में कई पार्टियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और केंद्र सरकार का पूरी तरह से विरोध किया। इसी क्रम में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी इस दक्षिण नागपुर की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टियों ने भी आज पुरजोर से इसका विरोध किया केंद्र सरकार का। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आखिरकार ये विरोध क्यों किया जा रहा है? ये विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सारा संसार और अपना देश एक बड़ी आर्थिक स्थिति में से गुजर रहा है। कोरोना के महामारी से लोग परेशान है, कोविड-19 से पर लोग परेशान है और अनेक मुसीबतों का सामना पिछले 3 महीने से लोग यहाँ झेल रहे हैं और इसी को चलते आज हम देख रहे हैं कि रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। इतनी बढ़ रही है कि एक कॉमन सामान्य मानुष आदमी है उसको आज चलना मुश्किल हो गया है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे चलूँ, कैसे निभाऊँगा। आज 87-88 रुपये डीजल और पेट्रोल और करीब करीब उसी के रेट में पेट्रोल भी और डीजल भी करीब करीब एक बराबर। दिल्ली में तो डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। ऐसी हालत यदि रहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ ऐसे जूझ रहे लोग और ये जो महामारी चल रही इसको इससे जूझ रहे लोग और इससे उभरते नहीं तो परिस्थिति सुधरती नहीं, हम उसके पीछे पड़ रहे हैं। किंतु ये पेट्रोल और डीजल के भाव रोज बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि अगर पेट्रोल के डीजल के भाव कम नहीं होते तो आपकी पार्टी क्या करेगी आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? एवढं निश्चित आहे, दक्षिण नागपूर मध्ये आदरणीय पंतप्रधान यांच्यापर्यंत आपला हा संदेश पेट्रोल आणि डीजलचा भाव कमी झाला पाहिजे या माध्यमातून दक्षिण नागपूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही सर्वत्र आंदोलन करीत आहोत आणि निश्चितच याचा भविष्यात आम्हाला फायदा मिळेल एवढं निश्चित आहे। सर, आपण क्या कहना चाहोगे? सर, ये कोरोना क्राइसिस में वर्ल्ड वाइड रेट कम हुए है। आपको याद होगा कि तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जीरो के नीचे चली गई थी। यहाँ तक के कहीं पर भी तेल और इसकी कीमतें बढ़ी नहीं है वर्ल्ड वाइड, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके से कीमत रोज बढ़ रही है। ये सारा सर लोगों के ऊपर में नाइंसाफी है। जनता ने इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और जनता इसके लिए आंदोलन उठाए, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की है सबसे पहले ये आंदोलन और तेज होगा और इसका विरोध करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम हम सस्ते करके रहेंगे। अगर पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम अगर कम नहीं होते हैं तो हम एक जन आंदोलन करेंगे यहाँ पे और बच्चा बच्चा हम रोड के ऊपर में आगे से आंदोलन के अंदर में सहयोग करेंगे। तो आप तो तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे क्योंकि शहर के नागरिकों को काफी इससे
परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से खर्चे जो बढ़े हैं कोरोना महामारी से लेकर अब तक के, वो बहुत ज़्यादा रहा। ऐसे में पेट्रोल डीजल के जो दाम जो बढ़ चुके हैं, इससे भी नागरिक खासा परेशान है। इस पर सरकार ध्यान दे, अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो फिर सड़क पे उतर पे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने दी है। पेट्रोल डीजल के भाव कमी झालेच पाहिजे। कैमरे पास सुभाष भुटले के साथ संजय मिरे, इनविजन न्यूज नागपुर।